हाय फ्रेंड्स, रूपांजलिस कुकिंग के डाइट स्पेशल सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूरन के चाप। सूरन बहुत न्यूट्रिशियस होता है और साथ ही में वेट मैनेजमेंट के लिए भी मदद करता है। सूरन के चाप के साथ आप कोई भी एक सूप बना लेंगे तो आपका डाइट डिनर कंप्लीट हो जाएगा। इसे बनाने के लिए हम डाइट दलिये के आटे का इस्तेमाल करेंगे। आपको अगर डाइट दलिये के आटे की रेसिपी देखनी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए बनाते हैं सूरन के चाप, देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। सूरन यानी जिमीकंद के चाप बनाने के लिए हम आधा किलो सूरन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसके छिलके निकाल देंगे और उसके बाद इसके चाप कट कर लेंगे। हमने सूरन के चाप कट कर लिए हैं। इनकी थिकनेस इस तरह से मीडियम रखनी है। इसके बाद हम इस रेसिपी की इम्पॉर्टेंट स्टेप करेंगे। बहुत बार सूरन ईची होता है, यानी इसे खाने के बाद मुंह में थोड़ा सा ईचिंग जैसा फीलिंग आ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए हम पानी में इमली और नमक डालेंगे और उसमें सूरन के चाप को 1 से 2 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी इमली घिस भी देंगे। अब हम सूरन के चाप का कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डाइट दलिये का आटा, नमक, लाल मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन की पेस्ट। सूरन के चाप को हमने पानी से निकाल लिया है। अब इसे दलिये का कोटिंग करेंगे। अब इस पे थोड़ा सा पानी छिड़केंगे। अब तवे को तेल से ग्रीस करेंगे। पहले 2-3 मिनट के लिए इसे ढक के पकाएंगे और उसके बाद इसे शैलो फ्राई करेंगे। अब इस पे थोड़ा तेल डालेंगे और मीडियम गैस पे इसे शैलो फ्राई करेंगे। अब इन्हें चेक करेंगे। ये अच्छे से शैलो फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है, तो गैस को बंद कर देंगे। सूरन के एकदम डिलीशियस और न्यूट्रिशियस चाप तैयार है। आप इसे शेजवान चटनी या केचप के साथ खा सकते हैं और ये एकदम स्टमक फिलिंग होते हैं। तो इस डाइट सीरीज में हम और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग रेसिपीज लाते रहेंगे, इसलिए इसे फॉलो कीजिए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।